थोड़ी देर पहले मस्किंगम मेथड, मस्किंगम मेथड क्या होता है वो बताया था मैंने, चैनल राउटिंग का एक मेथड होता है। अब उसमें उसके उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है आपको, द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ रीडिंग्स फॉर अ स्ट्रीम रीच आर गिवन बिलो फॉर विच द मस्किंगम कोफिशिएंट ऑफ k is equal to 36 hours and x is equal to 0.15 applied. जहां मैंने बता रखा था k constant था और x क्या था आपका weighing factor था. Route the flood through the reach and determine the outflow hydrograph. अभी अपने को क्या given है? Inflow hydrograph given है. इसकी मदद से हमें क्या निकालना है? Outflow hydrograph. वही हमारा क्या काम होता था? Flood routing में. Flood routing में यही काम होता था हमारे पे कि inflow hydrograph given होता था, उसकी मदद से किसी दूसरे section पे हम क्या निकालते थे? Outflow hydrograph निकालते थे. अब क्या आ गई बात आ गई हमारे पे? अब उसने बोला है also determine the reduction in peak and the time of peak of outflow. अब उसने बोला है reduction in peak जिसको हम attenuation बोलते थे and the time of peak of outflow. अब हमें क्या निकाल, एक time देखो हम क्या होगा इस question में, एक बार जब हम hydrograph बनाएंगे हमें reading किसकी दी हुई है? Inflow की दी हुई है. अब जो है अगर हम क्या करेंगे, inflow की मदद से एक hydrograph बना लेंगे, उसके बाद हमें outflow की reading निकालेंगे, उसकी मदद से outflow hydrograph बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि inflow में किस time पे peak आया था और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ जब हमने बनाया उसकी रीडिंग्स निकाल के जब हमने बनाया तब उस टाइम किस टाइम पे पीक आया, दोनों के बीच जो टाइम लैग होगा, दोनों की पीक जो जिस टाइम पे दोनों में पीक आया होगा उस टाइम दोनों का टाइम जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैग टाइम बोलते हैं. तो क्वेश्चन में और दोनों की जो पीक में डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन हाइट होगा, उसको हमने एटेन्यूएशन बोला था. वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिडक्शन इन पीक क्या होता है एंड किस टाइम पे आउटफ्लो का जब हम हाइड्रोग्राफ बनाएंगे उसमें किस टाइम पे पीक आएगी. तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने को टाइम गिवन है और ये अपने आप अपने को उस टाइम पे उस सेक्शन पे कितना कितना डिस्चार्ज है ये गिवन है. टाइम अपने को गिवन है आर्स में और डिस्चार्ज गिवन है अपने को मीटर क्यूब पर सेकंड. अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. मस्किंगम आए थे भैया, मस्किंगम ने बोला था कि अगर हम कोई भी चीज निकालना है तो किसी सेक्शन पे हम उस आउटफ्लो कैसे निकालना है, किसी सेक्शन पे डिस्चार्ज कैसे निकालना है बताते हैं, देखते हैं. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व. मस्किंगम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, Q2 बराबर C0 I1 C1 I1 प्लस C2 Q1. जहां पे C0 C1 C2 हमने अभी देखा था पहले वीडियो में कैसे निकल के आए थे, उसके बाद I1 क्या था हमारे पे यहां पे लिख लेते हैं I2. यहाँ पे I2 और I1 हमने क्या करा था, हमने देखा था कि हमने जब इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाया था तो वो कुछ इस तरीके का आता है हमारे पास हाइड्रोग्राफ. तो हमने क्या किया था, तो एक हमने रीडिंग ली है यहाँ पे उसको हमने I1 बोल दिया है, एक ये लिया उसको I2 बोल दिया है. इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो क्या बोला है? डेल्टी बोला है. ये हमारा और जो ये टाइम गैप आपको दिख रहा है ना यहाँ क्वेश्चन में 0, 12, 24, 36, अब देख क्वेश्चन को देख के जो दिया हुआ है इसमें देख के पता चल रहा है टाइम जो डेल्टी है वो कितना गिवन है, 12 आवर्स का गिवन है. तो अब हमने को क्या निकालना है, ये निकालना है. अब क्या है अपने को सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा. अब क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या था पहले देख लेते हैं. गिवन था अपने को k, गिवन था k की वैल्यू कितनी गिवन थी अपने को क्वेश्चन में, k की वैल्यू गिवन है अपने को 0.36 R, k की वैल्यू गिवन है 36 R, k की वैल्यू गिवन है अपने को 36 hours. अगर इसको मैं डे में कन्वर्ट करना चाहूँ, डे में अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 36/24 hours डे, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.5 डे. अब x अपने को कितना गिवन है 0.5, x अपने को गिवन है 0.15. तो अब निकालना क्या है हमें, हम ये देखेंगे. पहले हमें Q2 की वैल्यू निकालनी है. Q2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई दो चीजें पकड़ लेंगे, दो जगह पकड़ लेंगे डेल्टी के बीच में, एक I1 पकड़ लेंगे, I2 पकड़ लेंगे, उसकी मदद से हमको क्या निकालना है, Q2 निकालना है. सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले निकाल देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की क्या क्या वैल्यू होता है.
कोफिशिएंट हमने सी नॉट देखा था, सी नॉट कितना आया था, सी नॉट कितना आएगा हमारे पे, माइनस का के एक्स प्लस पॉइंट फाइव डेल्टी, पॉइंट फाइव डेल्टी के माइनस के एक्स प्लस पॉइंट फाइव डेल्टी। देख लेते हैं k की वैल्यू अपने को कितने की बना है, 1.5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी की बना है अपने को, 0.15 प्लस 0.5 डेल्टी। क्वेश्चन में जो यार टेबल बनी हुई थी उसमें देखा था डेल्टी मैंने कितना बताया था, 0, 12, 36, मतलब जो टाइम गैप था दोनों के बीच में वो कितना था, 12 आवर्स। तो 12 आवर था, अगर उसको मैं डे में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, वो 12 आवर्स था, 12 आवर को अगर डे में कन्वर्ट करना चाहूंगा डिवाइड बाय 24 यानी 1/2 डेज, तो 1/2 डेज आ गया। जरूरी नहीं है हम इसको डे में रखें, बस डे में रखने से थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे हमने इसको 36 बार बार लिखना पड़ता है, आराम से 1.5 हमने लिख दिया, दोनों को डे में कन्वर्ट कर दो। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर के को आपको डे में रख रहे हो तो आप टी को भी डे में रखोगे, अगर के को आर्स में रख दो टी को भी आर्स में रखो। के की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.15 प्लस 0.5 इंटू 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पे 0.02। इस तरीके से हमने C0 की वैल्यू निकाली, अब हम क्या करेंगे C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, kx प्लस 0.5 डेल्टी अपॉन k माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टी। ये कितना आ जाएगा, ये की वैल्यू कितनी है 1.5, x की वैल्यू 0.15 प्लस 0.5 इंटू 1/2, 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.15 प्लस 0.5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पे 0.31। हमारे पे C0 निकल गया, C1 निकल गया, अब बचा क्या, C2। अब C2 निकालते हैं, C2 लिख लेते हैं, k माइनस kx माइनस 0.5 डेल्टी, और ये k माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टी कितना आएगा, k की वैल्यू अपने को 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.15 प्लस सॉरी माइनस 0.5 इंटू 1/2, 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.15 प्लस 0.5 इंटू 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पे आ जाएगा 0.67। इसको सॉल्व करने पे हमारे पे आ जाएगा 0.67। अब उसके बाद हमने क्या पता चल गया, C0 पता चल गया, C1 पता चल गया, C2 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, बार बार हम क्या करेंगे, I2 I1 अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा और Q1 अपने क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी मदद से हम Q2 निकालेंगे। अब हम बताते हैं कैसे निकालेंगे, इसको पॉज करने के बाद ठीक है था कि क्वेश्चन गिवन था अपने को, क्वेश्चन में क्या गिवन था अपने को, टाइम गिवन था, इनफ्लो गिवन था। अब इस टाइम पे इनफ्लो गिवन था, इसकी मदद से हमें आउटफ्लो निकालना था, तो हमें मस्किंगम मेथड की याद आई और मस्किंगम मेथड का हमने एक तरीका देख रखा है, पहले मेथड समझा है, उसके बाद हमने देखा था ये फॉर्मूला निकल के आया था Q2 निकालने का। अब क्या है, इसमें अपने को C0, C1, C2 हमने पहले निकाल लिए थे, उसके बाद अब हमने देखा इसमें I2, I1 और Q1 हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले हमें देखना क्या पड़ेगा, इसमें हम जो पहला जो क्वेश्चन गिवन है जीरो टाइम पे, इसे हम मान के चलेंगे ये हमारा क्या है I1 है, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पे I2 है, ठीक है, और जो Q1 है, जो अब हम ये मान के चलेंगे हमारा जो पहला वाला है ये क्या है हमारे पे I1 है। एक समय से पॉज करना, इसे क्या मान के चलेंगे, ये 42 वाला I1 है और ये 45 वाला I2। तो अब जब एक टाइम जब हम शुरुआत में जीरो टाइम पे चल रहे होते हैं तो जीरो टाइम का देखो t इक्वल टू जीरो है, तो उस वक्त हमारा जो इनफ्लो रहा होगा वही तो हमारा आउटफ्लो रहा होगा ना, क्योंकि अभी क्या है बारिश होना चालू ही नहीं है t इक्वल टू जीरो पे,
उसके बाद जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कहीं और से डिस्चार्ज आता जाएगा तब हमारा सेक्शन पे क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज दूसरे सेक्शन पे बढ़ता जाएगा, तो अब हमारे पे क्यू टू जो होगा वो बढ़ने लग जाएगा, मतलब इस वाले डिस्चार्ज में चेंज आना चालू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पे क्या रहेगा, आई वन इज इक्वल टू क्यू वन रहेगा। तो हम ये देख चुके हैं, अब हमने पहले जब देखा तो हमारे पे टी इक्वल टू जीरो पे कितना था, पहला वाला जो गिवन था उसे हमने आई वन लिया, दूसरे वाले को आई टू लिया। जब हम पहले वाले को आई वन लेते हैं दूसरे वाले को आई टू लेते हैं और शुरुआत में टी इक्वल टू जीरो पे क्या रहेगा, आई वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू वन रहेगा। तो एक बार हम इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू रख करके देखते हैं। में वैल्यू रख के देखते हैं कितनी आती है, 0.02, आई टू की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 45 प्लस 0.31, आई वन की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 42 प्लस 0.67, क्यू वन की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू वन मैंने कितना गिवन नहीं है लेकिन हम इक्वल टू जीरो पे क्या ले लेते हैं, आई वन इक्वल टू क्यू वन ले लेते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। I2 हमारे पे कितना गिवन है 45 गिवन है, तो I2 की जगह हम 45 रखेंगे, I1 की जगह 42 रखेंगे और Q1 हमारा क्या होगा, I1 equal to Q1 होगा क्योंकि T equal to 0 टाइम पे बात कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब Q1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पे, इसके बराबर ही हो जाएगी I1 के बराबर, I1 की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 42 गिवन है। अब एक बार देखते हैं Q2 की वैल्यू निकालते हैं, Q2 की वैल्यू देखें कितनी आती है, Q2 की वैल्यू आएगी जो हम इसको सॉल्व करेंगे, Q2 की वैल्यू आएगी लगभग 42.06 आएगी, Q2 वैल्यू आएगी हाँ 42.06, इसको सॉल्व करने पे Q2 वैल्यू आ जाएगी 42.06 क्यूमैक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको लगभग हम लिख सकते हैं 42.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो बस मैंने वही लिखा हुआ है, आप देखोगे T इक्वल टू जीरो पे हमने क्या लिया था, पहले ही मान लिया था I1 इज इक्वल्स टू क्यों, तो जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो, तो पहले वाला क्या लिख लिया 42। अब दूसरे पार्ट जब हमने इस वाली क्वेश्चन का यूज किया और फिर दोबारा आउटफ्लो निकाला तो वो कितना निकल गया है 42.1 निकल गया है। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको तीसरी बार सॉल्व करेंगे तो हमारा आई वन क्या बन जाएगा, जो हमारा आई टू था ना ये 45 वाला, जो हमने 45 वाला हमारा क्या था आई टू था, ये हमारा बन जाएगा आई वन और जो नेक्स्ट वाला इनफ्लो होगा ना वो हमारा बन जाएगा आई टू। इसका तो हमने यूज कर लिया, इसका काम खत्म हो गया। और जो हमारा क्यू टू ये निकल के आया है ये हमारा बन जाएगा क्यू वन। ठीक है, एक बार इसको एक बार और हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे, जो मैंने बताया आपको फिर से इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। अब हमारा Q2 क्या है 0.02, I2 अब I2 की बात कर रहा है तो पहले हमारा I2 क्या था 45 था लेकिन हमने T इक्वल टू 0 12 घंटे का काम कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं 12 से 24 के बीच में, तो हमारा पहले I2 क्या था 45 था, अब हमारा I2 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा और I1 हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा 0.31 into 45 plus 0.67 into Q1, Q1 किसमें बदल जाएगा, जो हमने पहले निकाल रखा था Q2 के बराबर, वही हमारा क्या बन जाएगा Q1 बन जाएगा और Q1 कितना निकल के आया था हमारे पे 42.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 44 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से अब जब दोबारा फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर से जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, भाई मैं जो मैंने रिजल्ट है वो डायरेक्टली पहले यहां लिख रखे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। उसके बाद फिर से हम एक बार और चेक करके देख लेते हैं, अब हमारे पे क्या रहेगा, अब हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद हम आ गए यहां पे, जब यहां पे आ गए तो ये हमारा क्या बन जाएगा आई वन बन जाएगा, अगला वाला क्या बन जाएगा हमारे पे आई टू बन जाएगा और जो हमारा क्यू निकल के आया था वो हमारा क्या बन जाएगा क्यू वन बन जाएगा। अब फिर से दोबारा निकालते हैं, क्यू टू इज इक्वल टू 0.02 into I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पे, सॉरी I2 की वैल्यू 272 प्लस 0.31, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 प्लस 0.67 और Q2 की वैल्यू हमने निकाली कितनी थी, कितनी निकल के आई थी हमारे पे 44। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पे 62.2। इस तरीके से मैंने जैसे आपको ये बता रखा है सॉल्व करना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको चेंज क्या करना, आप क्या करते रहोगे धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करते रहोगे बढ़ते रहोगे आगे चल के। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द रिडक्शन इन पीक बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। अब रिडक्शन इन पीक, अच्छा एक बात देखते हैं कि हमारी जो इनफ्लो है इस पीक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम डिस्चार्ज जिस पॉइंट पे वो मैं क्या हो रहा हूँ मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं पीक कहाँ पे आया है, पीक कहाँ पे हमें दिख रहा है भाई,
342, यही तो हम सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है। ये वाली वैल्यू क्या दिख रही है हमें? सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है। तो जब हम इसका इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जो बन के आएगा वो पीक क्या बनेगी, 342 यहाँ पे बनेगी 342 ये वाली। अब क्या है, ये तो हमारी होगी इनफ्लो। अब हमने जब आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाया, इसमें देखो हमें पीक कहाँ किसमें दिख रही है सबसे ज्यादा पीक, हमें 234 ही तो दिख रहा है पीक, इससे बड़ी तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। ये तो हमारा इनफ्लो का था, आउटफ्लो हम निकाल लिया। पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, तो आउटफ्लो की वैल्यूज निकाल ली, इसकी मदद से हम हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद बोला था फाइंड द रिडक्शन इन पीक, रिडक्शन इन पीक मतलब इनफ्लो हाइड्रोग्राफ में जो पीक मिली है और जो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ में पीक मिली है, तो दोनों के पीक में डिफरेंस कितना आया है। तो इनफ्लो में पीक कितनी है, 342 मीटर के ऊपर सेकंड, और आउटफ्लो में मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल गई है, 234। अब इसने पूछा है फाइंड द रिडक्शन इन पीक, जब क्वेश्चन में रिडक्शन इन पीक पूछा है तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, रिडक्शन इन पीक पूछा है तो रिडक्शन इन पीक कैसे निकालोगे आप, 342 माइनस 234, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 3 गए 0 और 3 में से 2 गए 1, ये हमारा क्या निकल के आएगा, रिडक्शन पीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन को कहते हैं। अब उससे दूसरी बार उसने पूछा था कि किस टाइम पे हमें आउटफ्लो में पीक मिलेगी, तो अब टाइम देख लेते हैं किस टाइम पे आउटफ्लो में पीक मिल रही है अपने को। आउटफ्लो में पीक कितने पे मिल रही है, T = 72 hr पे। मान लो अगर आपने 9 बजे उस सेक्शन पे रीडिंग लेना चालू किया था इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ का, तो अगर हमें आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ पे जिस सेक्शन पे तुम रीडिंग ले रहोगे उससे 72 घंटे बाद ये हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारा जो उसने पूछा है रिडक्शन इन पीक कितना मिलेगा, जिस टाइम पे भी आपने राउटिंग करना चालू करा होगा उसमें T = 72 hr पे हमें उस 72 घंटे बाद उसकी रीडिंग मिलना चालू हो जाएगी, मतलब उस टाइम पे हमें लैग मिलेगा। अब बात आती है कितना लैग मिलेगा, अब देखिए ये कितने पे आया है, 48 पे आया है, और 234 वाला चेक करते हैं ये कितने पे आया है, 234 वाला आया है आपका 84 पे, तो लैग टाइम कितना हो जाएगा हमारे पे, 84 माइनस 48, ये कितना आ जाएगा हमारे पे, 14 में से 8 जाएंगे 6 और 7 में से 4 जाएंगे 3, यानी 36 आवर्स का लैग टाइम हो जाएगा। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैल्यू देख लेते हैं, एटेन्यूएशन कितना है 108 और लैग टाइम कितना है 36 आवर्स। अब क्या होगा जब इसको हम हाइड्रोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम मान लो हमारा इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ इस तरीके से आता है और आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है, तो क्या होता है जो ये पीक दोनों के पीच का जो डिफरेंस मिला ना, इसी को हमने क्या बोला था रिडक्शन इन पीक, ये कितना निकल के आया था हमारे पे, 108 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद उसने पूछा था लैग कितना निकल के आया हमारे पे, इसको लैग का मतलब किस टाइम पे हमें इनफ्लो में पीक मिली थी और किस टाइम पे आउटफ्लो में पीक मिली थी, मतलब इनफ्लो में पीक मिलने के कितनी देर बाद हमें आउटफ्लो में पीक मिली, तो वो कितना निकल गया था हमारे पे, 36 आवर्स, बस इसी को हम लोग लैग टाइम बोलते हैं, इसी को एटेन्यूएशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मस्किंघम मेथड पे न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।